गाड़ी को स्टार्ट करते हैं अब एक बार। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, कोई टेक्नीशियन नहीं बैठा हुआ अंदर। और ये देख सकते हैं आप, इसमें पूरा हिलन लगा हुआ, ऐसे ऐसे कांप रहा है इंजन पूरा, इतनी भयंकर मिसिंग है गाड़ी में। और मैं आपको लाइव स्मोक चेक कराता हूँ गाड़ी का, वो देख सकते हैं आप पीछे, ये गाड़ी स्मोक कर रही है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। क्या आप देखते हैं पीछे वाली साइड, यहाँ पे तो पूरा पक्का काम किया हुआ, पुट्टी पट्टी भरी हुई है, तो फिर भी लीकेज नहीं रुक रही है। और यहाँ पे आप देखते हैं ड्रेनर के ऊपर, यहाँ पे पेस्टिंग पुस्टिंग किया है, इतनी ज़्यादा कलाकारी करने के बाद फिर भी लीकेज नहीं रुक रही है। इसको भी गाड़ी में मैंने चेक किया, चेक इंजन की लाइट गायब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेप की हुई है, ये कलाकार की हुई देख सकते हैं आप इधर से, ये गाड़ियाँ जब ठीक नहीं होती हैं तो गाड़ियों को बेचने के लिए लोग ऐसे ऐसे ड्रामे करते हैं, ऐसे ऐसी कलाकारी करते हैं। ये गाड़ी हमारे पास आई है वॉक्सवैगन पोलो TDI इंजन, गाड़ी कस्टमर ने 4 महीने पहले ली है, 10 दिन में रंग दिखाने से शुरू कर दिए हैं। गाड़ी में मैंने चेक किया, चेक इंजन की लाइट गायब है, क्या क्या फॉल्ट निकलते हैं, किस तरीके से गाड़ी को ओके रिपोर्ट करेंगे, कौन कौन से पार्ट इसमें खराब निकलते हैं, क्या क्या जुगाड़बाजी करे हैं इसमें, वो सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं श्याम सिंह मंडी हिमाचल से, मल्टी ब्रांड कार टेक्नीशियन, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉक्सवैगन पोलो TDI इंजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम नोटिस कराता हूँ, आ जाओ बेटा आगे आ जाओ थोड़ा सा, हाँ जी सेल्फ वगैरह जी। ये गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, ये होगी बंद, हाँ जी एक बार फिर से लगाओ सेल्फ, ये गाड़ी होगी स्टार्ट, अभी गाड़ी स्टार्ट है, हल्का सा एक्सीलेटर करना आपने, लगाओ, ये देख सकते हैं आप, ऐसे कांप रही गाड़ी, बंद करो, हाँ जी, ये होगी गाड़ी बंद, लगाओ। अब एक्सीलेटर नहीं लगाना आपने, काली आइडल पे छोड़ दो उसको, ये देख सकते हैं आप, ये बीच बीच में इस तरीके से नकाके मारती है, कभी कभार तो इतनी मिसिंग कर देती है, पूरा गाड़ी का जो इंजन कंपार्टमेंट है पूरा हिल जाता है। ये गाड़ी में स्मोक है आप देख सकते हैं, ये स्मोक इतना जहरीला है, अभी आंखें भी मेरी बंद हो रही है इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। ये है गाड़ी का मीटर क्लस्टर, इग्निशन ऑन है इस टाइम, ऑफ कर दी, ऑन कर दी, कॉइल लाइट आ रही है देख सकते हैं, चेक इंजन लाइट आई नहीं है, गैप है, ये देख सकते हैं आप कितनी गलत बात है जो गाड़ियों में बेचने के लिए ऐसे ऐसे जुगाड़ करते हैं, देख सकते हैं आप। ये गाड़ी स्टार्ट है, बंद कर दी मैंने, कोई चेक इंजन की लाइट नहीं है, प्रॉब्लम आपने गाड़ी में देख ली है। और गाड़ी को मैंने स्कैन किया, गाड़ी में पूरा DTC का चिट्ठा आ गया लैपटॉप में मेरे, किस तरीके से इसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और गाड़ी के ओनर ने गाड़ी की चेक कराई है कहीं और टेक्नीशियन के पास, तो उन्होंने बोला इसकी इंजेक्टर से रिलेटेड कोई फॉल्ट है, क्या इंजेक्टर में फॉल्ट निकलता है, कहीं और निकलता है, किस तरीके से हम उसको सही करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ओके करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आगे से आगे हमारे को वीडियो बनाने का उत्साह वो बढ़ता रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्कैन टूल मैंने कनेक्ट किया है इसमें और आप इसमें DTC देख सकते हैं कितने ज़्यादा है। तो सबसे पहले ऐसा कोई DTC नहीं है आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने DTC को पहले इरेज करता हूँ, देखते हैं क्या क्या फॉल्ट है इसमें। तो मेनली जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है इस गाड़ी में वो लगती है EGR की, ये मैंने इरेज कर दी है। अब इसमें दो ही फॉल्ट बचते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तीसरा आ गया अपने आप। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं अब एक बार, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, कोई टेक्नीशियन नहीं बैठा हुआ अंदर। और ये देख सकते हैं आप, इसमें पूरा हिलन लगा हुआ, ऐसे ऐसे कांप रहा है इंजन पूरा, इतनी भयंकर मिसिंग है गाड़ी में। और मैं आपको लाइव स्मोक चेक कराता हूँ गाड़ी का, वो देख सकते हैं आप पीछे, ये गाड़ी स्मोक कर रही है,
ये देख सकते हैं आप बिल्कुल, और अब आप देखते हैं बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो गई है। तो ये है बेसिकली प्रॉब्लम आपके सामने है, मैंने आपको दिखा दिया है। और फॉल्ट इस टाइम दो ही आ रहे हैं, और जब गाड़ी को चलाते हैं तो पूरा चिटा खुल जाता है इसका फिर से, और गाड़ी में पिकअप नहीं है। बंद कर दो गाड़ी को। कंटिन्यू जो फॉल्ट आ रहा है, इनटेक फ्लैप मोटर ब्लैंक वन, ये फॉल्ट इसका है। हो सके मोटर ख़राब हो, वायरिंग में प्रॉब्लम हो, करंट नहीं आ रहा हो, जो भी है इसको भी देखेंगे। दूसरा फॉल्ट आ रहा है इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर ऑन रेडिएटर आउटलेट। इसकी लोकेशन होती है, पाइप आगे से जाती है पीछे EGR को कूलिंग करने के लिए, EGR कूलर की तरफ जाती है, उस पर एक सेंसर लगाता है। कई बार उसकी तार टूटती है या सेंसर प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम चेक करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम इसमें कूलेंट पंप की है, जो एडिशनल वाटर पंप होता है उसकी प्रॉब्लम है। वो अगर गाड़ी का ख़राब रहता है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, तो उसकी वजह से जो EGR वाल होता है उसको चोक होने की प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी हम देखेंगे। मेरे को ज़्यादातर प्रॉब्लम इसकी EGR वाल की लगती है। तो पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ वो फॉल्ट, तो EGR को फिर से तो नहीं आ रहा कहीं। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये देख सकते हैं प्रॉब्लम, ये EGR की प्रॉब्लम को भी चेक करेंगे, आता कि नहीं आता फॉल्ट EGR का। अभी इसके अंदर EGR का फॉल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा तभी आएगा फॉल्ट। और दूसरी प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर कैमरे में विजिबिलिटी हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई टेक्नीशियन भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो जल्दी से पहले कमेंट करें इसमें मैंने क्या प्रॉब्लम नोटिस की है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके इंजेक्टर, एक दो तीन चार, एक नंबर की हाइट आप देखते हैं कितनी ज़्यादा है, दो नंबर की थोड़ी सी कम है, तीसरे की और कम है। इसका क्या मतलब है जल्दी से कमेंट करें। और यहाँ पे मैं स्केल रखता हूँ इस तरीके से, ये मैंने इसके लेवल का स्केल रख दिया, ये देख सकते हैं आप, तीन नंबर में काफ़ी गैप बचता है, एक नंबर इंजेक्टर काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब है इंजेक्टर में डबल वाशरें पड़ी हैं, या वाशर की जो MM की लेंथ होती है, मतलब चौड़ाई होती है वाशर की, वो ज़्यादा है, बराबर की नहीं पड़ी है। तो सबसे पहले मैं इसका इनलेट इनटेक सिस्टम EGR BGR जो है सारा बाहर निकालूंगा, और उसको हम पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद जो जो फॉल्ट निकलते रहेंगे मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। पोलो की फिटिंग खोलनी हमने शुरू की है, और यहाँ पे आप देखते हैं लीकेज नंबर एक। नंबर दो जो प्रॉब्लम आपको मैंने बताई थी, जो नीचे एक सेंसर लगा होता है रेडिएटर वाला, वो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी वायर है, कपलर है नहीं है, और तारे यहाँ पे नंगी पड़ी हुई है। एक फॉल्ट यहाँ पे है, ये लोकेशन है इसके एडिशनल वाटर पंप की, ये भी ख़राब हो चुका है, इसको हम चेक करेंगे अदरवाइज रिप्लेस करेंगे। लीकेज की कहानी आप देख सकते हैं, चैम्बर चुम्बर खुला होगा इसका, और यहाँ पे बॉन्डिंग की हुई है, ये आप देखते हैं पीछे वाली साइड, यहाँ पे तो पूरा पक्का काम किया हुआ, पुट्टी पट्टी भरी हुई है, तो फिर भी लीकेज नहीं रुक रही है। और यहाँ पे आप देखते हैं ड्रेनर के ऊपर, यहाँ पे पेस्टिंग पुस्टिंग किया है, इतनी ज़्यादा कलाकारी करने के बाद फिर भी लीकेज नहीं रुक रही है, तो इसको भी हम मौके रिपोर्ट करेंगे, देखेंगे कारें कहाँ से चेक है, चेक करेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। टेक्नीशियन इसका EGR बाहर निकाल रहा है, बाकी की फिटिंग खुल चुकी है। लीकेज इसमें सील प्लेट की है, और सील प्लेट खोलने के लिए मेरे को इसका टाइमिंग खोलना पड़ेगा यहाँ से, और टाइमिंग कवर मैंने खोला हुआ है। आप देखते हैं इसकी जो बेल्ट है ये भी बाहर को चल रही है, शायद इसमें एडजस्टर की प्रॉब्लम हो, और इसका एडजस्टर भी देख सकते हैं आप लूज है, और यहाँ पे स्टड बाहर आता है वो भी नहीं है, तो कोई ना कोई कमी यहाँ पे भी है। और पीछे से EGR हमने रिमूव कर दिया है, और यहाँ से हमने इसका इनलेट रिमूव करना है, काफ़ी ज़्यादा फिटिंग अभी खोलनी बची है, और आगे की फिटिंग तो हमने खोल दिया है। तो अब हमारा डिसीजन है, अभी कभी यहाँ से काम करेंगे कभी पीछे से करेंगे कम्प्लीट, इसलिए हम कम्प्लीट इंजन इसका बाहर निकाल रहे हैं, ताकि काम करने में हमारे को आसानी रहे, और जो जो प्रॉब्लम है निकलती रहेगी, साथ साथ में अपडेट करता रहूँगा। तो हम इसका कंप्लीट इंजन बाहर निकाल रहे हैं, पहले इंजन हमने कंप्लीट बाहर निकाल दिया है, ये इसका इंजन है, पार्ट हमने सारे के सारे रिमूव कर दिए हैं यहाँ पे, इधर देख सकते हैं आप सारे के सारे पार्ट खुले खुले पड़े हुए हैं। और अब बहुत सारी जगह में हमारे को जुगाड़बाजी मिली है, और पेस्टिंग इतनी की हुई है आप देख सकते हैं पाइपों में, यहाँ पर पेस्टिंग, इधर पेस्टिंग, इधर पेस्टिंग, हर एक जगह में पेस्टिंग की हुई है। सबसे बड़ी पेस्टिंग आप देख सकते हैं इस पाइप पर, वैक्यूम पाइप है, दे ट्यूब लगा रखी है यहाँ पे भी, इधर भी ट्यूब लगी हुई है, ये खोला हमने इनलेट, इस पर भी देख सकते हैं पेस्टिंग की हुई है, यहाँ पे पैकिंग पे इतनी बाहर निकली हुई है फिर भी पेस्टिंग है। ये इसका टेम्परेचर है,
सीले आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पेस्टिंग पुस्टिंग की हुई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर निकाले हमने बाहर, वाशरेस में डबर नहीं निकली बट वाशरेस में निकली 1.5 mm की। ये है 1.5 mm की वाशल, इसमें डलती है 2 mm की, वो भी हम चेंज करेंगे, इंजेक्टर को चेक कराएंगे। ये पाइप है AGR की, यहाँ पे कोई पेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पर फिर भी पेस्टिंग की हुई है। ये इसका AGR कूलर है, कंडीशन आप देख सकते हैं और अंदर से देख सकते हैं कितना चौक पड़ा हुआ है, पूरा कार्बन से भरा हुआ है। ये इसका AGR वैक्यूम बाईपास कूलर, ये भी जाम है, ये मूव नहीं करता, ये देख सकते हैं बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है और अंदर से चौक देख सकते हैं आप कितना पड़ा हुआ है, पूरा फुल्ली चौक जिसको बोलते हैं। चैम्बर के नट हमने खोल दिए हैं बट पहले हम ऊपर की फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम नीचे की फिटिंग खोलेंगे। और ये इसका टाइमिंग रजिस्टर है जो कि ख़राब हो चुका है, मैं आपको इसमें प्ले दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखो आप, इसको भी चेंज करेंगे हम। सबसे पहले हम इन पार्ट की वॉशिंग करेंगे, यहाँ पे जो पाइपें ऊपर हैं और जितने भी पार्ट हैं उनकी वॉशिंग गली है, बढ़िया करके एक नंबर क्लीनिंग करेंगे हम। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे AGR का पाइप लगता है और पैकिंग लगी हुई है और यहाँ पे पेस्टिंग आप देख सकते हैं कितनी सारी की है। इसको मैं निकालता हूँ इस तरीके से, ये देख सकते हैं, इस पर कोई ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं होती पर फिर भी दे दड़ादड़ ट्यूब लगा रखी है, पेस्टिंग की हुई है और अंदर से आप देख सकते हैं चोक कितना है। ये पाइप ये देख सकते हैं कितना कचरा है इसमें और बाहर पेस्टिंग। ओके रिपोर्ट करेंगे इंजन को, इंजन के पार्ट जितने भी थे क्लीन कर दिए हमने और इंजन भी आप देखते हैं यहाँ से हमने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, इधर से भी क्लीनिंग कर दी है। अभी इंजन इस जैक की स्पोर्ट से रखा हुआ हमने और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टाइमिंग चेन वगैरह सॉरी बैलेंसर की चेन न्यू डाली है बट ये चेन देख सकते हैं आप कितनी लूज है, ये देख सकते हैं आप, ये देखो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कोई गाइड में मूवमेंट नहीं हो रही बट ये चेन देख सकते हैं कितनी लूज है और ये अपने पैड से भी बाहर है, इसको भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। और ये इसका AGR वाला है जो हमने क्लीन किया हुआ है, इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, अंदर से क्लीनिंग देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसकी सील प्लेट है जो पूरी पेस्टिंग करके जोड़ी हुई है, पूरा पक्का काम किया हुआ है, इधर से भी देख सकते हैं और अंदर से भी आप देखते हैं, इधर से भी फेविकोल लगा के मिट्टी गिरी हुई है ताकि लीकेज ना हो, फिर भी ये लीकेज है। यहाँ पे जो होल होता है AGR का अच्छे से क्लीन हो चुका है, तकरीबन सारी क्लीनिंग हो चुकी है और यहाँ पे आप देखते हैं पेस्टिंग कर करके बॉन्ड भर भर के ये ब्लॉक का नक्का है भी तोड़ दिया हुआ है, इधर से देख सकते हैं ये भी तोड़ दिया हुआ है, सारा काम ओके रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्रेड होता है, थ्रेड चूड़ी ये भी फ्री कर दी है और इसके अंदर देख सकते हैं आप कलाकारी क्या की हुई है, इसके अंदर एक पत्ती लगा के जुगाड़, ये मैं डीपली दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो पूरी चूड़ी ख़त्म है, चूरा पड़ा हुआ अंदर, इसको भी ओके रिपोर्ट करेंगे। निकाल, अच्छा बस ये देख सकते हैं आप, रख भाई रख, यहाँ पर रख, ये 3 का पत्रा है काट के लगाया हुआ है इसके अंदर, ये बैलेंसर का कवर है और चैम्बर जाली जिसको बोलते हैं ये भी हमने बाहर निकाली है, इसमें भी पूरा कचरा पार्टी भरी हुई थी। करते हैं अब फिटिंग शुरू, बैलेंसर का एडजस्टर मैंने चेंज कर दिया है और चेन भी मैंने इसकी चेंज कर दी है, ये मैंने यूज़ किया है पुराना बट ओरिजिनल है और चेन भी मैंने पुरानी यूज़ किया है, टाइमिंग में बता दूंगा आपको। ये डॉट है, इसके बीच में जो 2 डिस्क कलर होते हैं इसके बीच में डॉट आएगा और नीचे वाली साइड आप देखते हैं ये बैलेंसर है, बलंसर पे इस तरीके से मार्किंग के सामने डिस्क कलर आएगा, इसको उल्टा करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और चेन आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट है, कोई लूजनेस नहीं है, पहले देख सकते थे आप कितनी ज़्यादा लूज थी, आप बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ये है पुराना बलंसर, आप देख सकते हैं देखने से बिल्कुल नकली लग रहा है,
कोई पंचिंग पुंचिंग नहीं हुई है इसके ऊपर, कोई माँ बाप का नाम नहीं इसके, कहाँ का बना है कहाँ का नहीं बना, इसलिए मैंने पुराना यूज़ कर रहा हूँ। नया कॉस्टली है, पहले भी इसके ज़्यादा, पहले भी इसके ऊपर पैसे कितने लग चुके हैं। ये चेन भी मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे हमने न्यू सील प्लेट फिट कर दिया है और ऑयल पैन इसका लगा दिया है, टाइमिंग कंप्लीट कर दिया है, एडजस्टर चेंज कर दिया हमने। टाइमिंग आप देखते हैं पोलो का, यहाँ पे 5 नंबर की अर्की लगा लो या कोई वाल लगा लो, इस तरीके से हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग रहता है। होल के सामने कट आता है, नीचे वाला कट इसका टूट गया हुआ है, और ये इसका क्रैंक का टाइमिंग है। टाइमिंग ओके रिपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे इसका मेन सील का टाइमिंग आप देखते हैं, ये जो होल होता है अपर वाली साइड को आता है, और ये 2 कट होते हैं, ये इस तरीके से रहते हैं। इंजन हमने कंप्लीट कर दिया है, पुलिये पालियाँ सारी कंप्लीट लग गई है इसमें। यहाँ से हमने इसका ट्रांसमिशन भी फिट कर दिया है, वायरिंग हमने टेपिंग करके फिट कर दिया है इसमें। यहाँ से आप देखते हैं इसमें टेपिंग टूपिंग, यहाँ पे भी हमने टेपिंग की है इस पर। इंजेक्टर अभी हमने फिट नहीं किया है, इंजेक्टर इसके सर्विसिंग पे गए हैं। पहले हम इंजन को गाड़ी पे फिट करेंगे, उसके बाद इंजेक्टर हम फिट करेंगे। और यहाँ पे हमने कॉटन लगाया हुआ, कपड़ा लगाया ताकि डस्ट अंदर ना जाए। वायरिंग की रूटिंग कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, जहाँ जहाँ वायरिंग लगती है। और ये खड़ी गाड़ी पोलो, इंजन हमने कंप्लीट फिट कर दिया है गाड़ी में, और टेक्नीशियन आप देखते हैं यहाँ की सफाई कर रहा है, क्योंकि इंजेक्टर भी हमने फिट करना है इसमें। और ये इसके इंजेक्टर है, हमने चेक कराया है, इंजेक्टर में 2 में प्रॉब्लम निकली थी तो उसको भी हमने रिपेयर करा लिया। ओके रिपोर्ट हो चुकी है, 3 इंजेक्टर 2 mm की, और इसमें लगी थी 1.5 mm की वाशर लगी हुई थी इसमें पहले। कंडीशन आप देखते हैं वाशर की कितनी हो चुकी है, और यहाँ पे आप थिकनेस देख सकते हैं नई और पुरानी में। इंजेक्टर की फिटिंग लगी हुई है, ये 3रा इंजेक्टर लगा दिया है इसमें, लगाओ लगाओ लगाओ, 3 इंजेक्टर इसमें लग चुके हैं। दबा दबा इंजेक्टर की फिटिंग कर रहे हैं, पाइपें लगाएंगे, उसके बाद सेल्फ लगाएंगे, क्या बोलती है गाड़ी चेक करेंगे हम। फिटिंग इंजेक्टर की कंप्लीट कर दी मैंने, एयर ब्लीड भी इसकी कर दी है मैंने। गाड़ी को सेल्फ लगाएंगे, चेक करेंगे गाड़ी की स्टार्टिंग, और गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी उसको भी चेक करेंगे। स्टार्ट, गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। साउंड आप देख सकते हैं गाड़ी का, बिल्कुल स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। एक बार आपको मैं साउंड सुनाता हूँ, प्रेस लेटर लगा भाई, लगा लगाओ, बस। तो गाड़ी आरपीएम भी बढ़िया ले रही है, बंद कर दो गाड़ी, कर भाई स्टार्ट, ओके स्टार्टिंग है, हाँ लगा रहे हैं भाई, लगा लगा जोर से लगा दे, फुल लगा दे। तो गाड़ी में स्मोक बिल्कुल नहीं है अभी, जो आपको थोड़ा थोड़ा धुआं दिख रहा है, बस कर बेटा। ये जो आपको स्मोक दिख रहा है, ये हमने जो काम किया हुआ है और जो सिलेंसर में पुराना कचरा लगा हुआ है, जमा हुआ है, वो गाड़ी को हम चलाएंगे और गाड़ी को आइडल में स्टार्ट रहने देंगे 3-4 घंटे। उसके बाद इसकी भी सफाई हो जाएगी, गाड़ी गर्म हो गया, कचरा पार्टी जो है बाहर निकल जाएगी। और गाड़ी के जो फॉल्ट है आप देखते हैं, ओनली कूलेंट पंप का फॉल्ट है इसमें, और कोई फॉल्ट नहीं इसमें, वो हमने रिप्लेस नहीं किया है। वो हमने इसलिए रिप्लेस नहीं किया क्योंकि वो कॉस्टली आइटम थी, 99,000 के आसपास था, तो कस्टमर बोलता है उसको मैं बाद में चेंज करा लूँगा, बाकी आप मेरा इतना काम कर दो, उसके बाद गाड़ी की मैं टेस्टिंग करूँगा और उसके बाद मैं 1 महीने तक इसको ला लूँगा। पार्ट जो हमने इसमें चेंज किए हैं आप देख सकते हैं, एक तो सील प्लेट की चेंज हमने, और दूसरा ये मैंने आपको बताया था एडजस्टर, और एक टाइमिंग एडजस्टर, और एक बाईपास कंट्रोलर का वैक्यूम चेंज किया है, चेन, और ये फ्लैप मोटर जो हमने रिप्लेस किया है इसमें। लोकेशन मैंने आपको बता दी थी पहले ही, और ये हमने प्री ऑन यूज़ किया है। गाड़ी का मीटर क्लस्टर खोल रहे हैं, और इसमें जो कलाकारी की है उसको भी
ओके रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मीटर क्लस्टर खोल रहे हैं, जो चेक इंजन की इसमें लाइट नहीं आती। एक बार चाबी ऑन करिए भाई, ये देख सकते हैं आप, कोई लाइट आ रही है और चेक इंजन की लाइट आई नहीं है। कर बंद करते इसको, निकालो मीटर बाहर निकालो। पोलो का मीटर खोला हुआ मैंने, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वारंटी सील होती है, ये सील इसकी टूटी हुई है, तो इसका मतलब ये है इसका जो मीटर है खुला हुआ पहले भी। तो इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं क्या कलाकारी की इसमें। ये लॉक होते हैं इसके, ये खोला हुआ मीटर मैंने, और चेक इंजन की जो लाइट होती है यहाँ पे आती है। इसको आराम से ऊपर को उठा के देखते हैं हम, दिखाओ भाई दिखाओ, इधर दिखाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेप की हुई है, ये कलाकार की है, देख सकते हैं आप इधर से, ये टेप लगाई हुई थी ताकि ये चेक इंजन की लाइट ना आए। और यहाँ पे इधर दिखा भाई, दिख रहे हैं आप, दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने मोबाइल ऑन किया हुआ है, यहाँ पे दिखा भाई, यहाँ देख सकते हैं लाइट है, ये इसके अंदर मैंने लाइट दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आप, दिख रही चेक इंजन की लाइट दिख रही है, हाँ दोनों लाइटें दिख रही हैं। अगर इसके ऊपर मैं टेप लगा दूंगा तो ये लाइट नहीं दिखेगी, ये बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे इस टेप से कलाकारी की हुई थी, मीटर में चेक इंजन की लाइट ना आए। अब मीटर को फिट करते हैं, देखते हैं क्या बोलती गाड़ी। अब मीटर हमने इसमें फिट कर दिया है, इग्निशन ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं आप, चेक इंजन की जो लाइट है वो आ रही है, ये चेक इंजन की लाइट है। कॉइल लाइट जा चुकी है, अभी लगाओ सेल्फ लगाओ। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चेक इंजन की लाइट नहीं जा रही, इसका मतलब है इसका कूलेंट पंप खराब है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। बट काम किया है तो कोई कलाकारी नहीं करनी, जो कि कितनी गलत बात है। इसकी जो चेक इंजन की लाइट थी वो गैप कर दी थी। बंद करो गाड़ी को, करो स्टार्ट, गाड़ी बढ़िया करके स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम गाड़ी की करेंगे टेस्ट ड्राइव। तो ये गाड़ी थी वॉक्सवैगन पोलो, जिसके ऊपर हमने काम किया। काम करना बढ़िया करना, नहीं तो काम नहीं करना। आदत कुछ इस तरीके से है, ईमानदारी से काम करना, कोई बेईमानी नहीं है। ईमानदारी से काम करेंगे आगे तक जाएंगे, बेईमानी का काम करेंगे दो दिन खाएंगे तीन दिन भूखे मरेंगे। ये कहावत भी है और ऐसा होता भी है। अब करेंगे गाड़ी की टेस्टिंग। अभी गियर इसमें सेकंड लगा है, सेकंड गियर में मैं गाड़ी को रन कर रहा हूँ, और हल्के से एक्सीलेटर पे रन कर रहा हूँ। ये मैंने गाड़ी को गैस दिया, और ये थर्ड गियर लगाया हुआ मैंने। गाड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ चल रही है। चेक इंजन की लाइट मैंने आपको बता दी है, कूलेंट पंप चेंज होएगा, ABS के ऊपर हमने काम नहीं किया। गाड़ी के ओनर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला भी नेक्स्ट टाइम करा लूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने गाड़ी नहीं ले लिया है, पहले भी पैसा लगा दिया फिर से पैसा लगाऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप काम करा लेंगे। अभी आज कुछ काम करा ले, थोड़े दिन के बाद दूसरा काम करा लेंगे। तो वो भी कुछ काम जो होते हैं कस्टमर के पॉकेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं भी वर्कशॉप एक गाड़ी आई तो सारा कुछ निबेड़ सकते हैं। बट बाकी तो खर्चा करना जो है कस्टमर का काम है, जैसा आप बोलते हैं उस तरीके से हमारे को काम करना पड़ता है। तो गाड़ी की हम टेस्टिंग करेंगे। पहले ये गाड़ी को मैंने थ्रॉटल प्रेस किया, और पिकअप देख सकते हैं आप गाड़ी का, थोड़ी रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है बट हम फिर भी टेस्टिंग कर लेंगे। पहले गाड़ी मैंने चला के चेक की, गाड़ी है ओके रिपोर्ट, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम गाड़ी को फर्स्ट से सेकेंड गियर, सेकेंड से थर्ड अप शिफ्टिंग में और डाउन शिफ्टिंग में चेक करते हैं, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चलती है बिल्कुल स्मूथ। गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्ट खड़ी है, साउंड आप देख सकते हैं, गाड़ी का साउंड मैं आपको फिर से चेक कराता हूँ, बिल्कुल स्मूथ है। बिल्कुल साइलेंट कार जिसको बोलते हैं वो हो चुकी है,
गाड़ी में जो जुगाड़बाजी होती है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलती, 10 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो ऐसी जुगाड़बाजी से बचें, काम कराएं, अच्छा कराएं, नहीं तो कराएं ना, और काम करें, अच्छा करें, नहीं तो करें ना। तो ये एक मैसेज था आपके लिए, किस तरीके से गाड़ी तो थी प्रॉब्लम में थी, ओके रिपोर्ट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से वीडियो को शेयर करें ताकि औरों के पास भी ये मैसेज पहुँच सके, जुगाड़बाजी नहीं चलती है। तो यही था आज का वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी।